हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक बना लिया था हायर परचेस सिस्टम में। आज हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे और आगे क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करेंगे। आज हम लोग कौन सा बुक बना रहे हैं? एसएम शुक्ला का बुक। अगर आपके पास एसएम शुक्ला का बुक नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैप्टर का लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लो। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। लिखा है, ऑन 1st of April 2011 द बीएस कोल कंपनी ऑप्टेन वेगन ऑन हायर परचेस सिस्टम। बीएस कोल कंपनी ने क्या किया है? वेगन लिया है हायर परचेस सिस्टम में। कैश प्राइस है वेगन का 1150 रुपीज। पेमेंट वॉज टू बी मेड एज टू 150 डाउन। बोल रहा है पेमेंट जो है 150 रुपए डाउन, मतलब डाउन पेमेंट 150 का है। एंड एज टू बैलेंस 200 पर ईयर विथ 5% इंटरेस्ट। और 200 रुपया का इंस्टॉलमेंट भरेंगे, साथ में इंटरेस्ट भी देंगे। इसका मतलब कि सर ये जो 200 रुपया है इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, इंटरेस्ट अलग से इंक्लूड करना पड़ेगा। जी हाँ। आगे लिखा है, द बीएस कोल कंपनी राइट्स ऑफ 10% डेप्रिसिएशन ईच ईयर। डेप्रिसिएशन कितना लगता है? 10%। प्रिपेयर नेसेसरी लेजर इन दी बुक्स ऑफ दी कंपनी। तो बीएस कोल कंपनी के बुक में हम लोग को लेजर बनाना है। बीएस कोल कंपनी कौन है? परचेजर। तो परचेजर के बुक में क्या क्या लेजर बनेगा? सर वेंडर का लेजर बनेगा, जो एसेट्स है वैगन उसका लेजर बनेगा, डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट। डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट हम नहीं बनाएंगे क्योंकि हम सिखा चुके हैं, वो आप बनाइएगा। तो हम क्या बना के दिखलाएंगे? वही एसेट्स अकाउंट और वेंडर अकाउंट। कैलकुलेशन मे बी मेड टू द नियरेस्ट रूपीज। बोल रहा है कैलकुलेशन आप नियरेस्ट रूपीज में कर सकते हैं। बोले ओके, चलो शुरू किया जाए। क्वेश्चन का पहले लिखो नंबर 5 और क्या करो? वर्किंग। पहला क्या लिखते हैं? कैश प्राइस, जो कि दिया हुआ है 1150। दूसरा क्या लिखते हैं? हायर परचेज प्राइस, जो कैसे निकलता है? सभी इंस्टॉलमेंट को जोड़िए और डाउन पेमेंट को भी जोड़ लीजिए। इंस्टॉलमेंट 200 रुपया का है और डाउन पेमेंट कितने का है? 150। 200 रुपया करके कितना बार देगा? 5 बार। तो सर ये भी 1150 होगा, दोनों बराबर है। हम बोले हाँ दोनों तो बराबर है, तो चेक हो गया। कैश प्राइस और हायर परचेज प्राइस दोनों इक्वल है। तो जब इक्वल होता है तो क्या होता है? सर इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट जुड़ा हुआ नहीं होता है, वो जोड़ना पड़ेगा। क्वेश्चन इस बात को लिखा भी है कि 200 रुपया टुगेदर विथ इंटरेस्ट। और दूसरा, लास्ट ईयर में जो इंटरेस्ट बैलेंसिंग फिगर से आता था वो तब होता था जब हायर परचेज प्राइस बड़ा हो कैश प्राइस से, और जब बराबर हो तो हर साल हम लोग को इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो चौथा काम क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, सबसे पहले क्या लिखते थे? कैश प्राइस, जो कि दिया हुआ है 1150। इसमें से क्या माइनस होता था? डाउन पेमेंट, जो कितने का है? 150। और ये निकल गया आउटस्टैंडिंग बैलेंस। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 5%। तो सर 1000 का 5% निकालिए, 50 रुपया। और अब क्या पेमेंट करेंगे? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट है 200, क्या 200 पे करेंगे? नहीं सर, जब हायर परचेज प्राइस और कैश प्राइस दोनों बराबर रहता है तो इंस्टॉलमेंट में पहले इंटरेस्ट को जोड़ते हैं और तब पे करते हैं। और ये निकला नया आउटस्टैंडिंग बैलेंस। तो वन ईयर के बीत जाने के बाद कितना पैसा अभी भी बाकी है? 800, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। जो कि 5% करके कितना आएगा? 40 रुपीज। सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट,
जो कितना होगा 200 प्लस इंटरेस्ट 240, ये क्या है आउटस्टैंडिंग बैलेंस। थर्ड ईयर का इंटरेस्ट, पांच परसेंट के हिसाब से 30 रुपीज, क्या माइनस होगा थर्ड इंस्टॉलमेंट। दो सौ तीस कितना बच गया आउटस्टैंडिंग बैलेंस 400। फिर क्या लगेगा इंटरेस्ट फोर्थ ईयर का, ₹20। फिर पेमेंट करेंगे फोर्थ इंस्टॉलमेंट, ₹220। आउटस्टैंडिंग बैलेंस फिफ्थ ईयर का इंटरेस्ट 5%, ₹10। फिफ्थ इंस्टॉलमेंट कितना सर 200 प्लस 10, ये हो गया। अब कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, ये सारा वर्किंग करना ही पड़ेगा आपको। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, सबसे पहले क्या लिखेंगे कैश प्राइस जो कि है 1150, डेप्रिसिएशन का रेट देखो बताया है 10%, लेकिन ये नहीं बताया है कि किस मेथड से। तो याद कीजिए पहला ही क्लास में या दूसरा क्लास में बोले हैं आपको कि अगर डेप्रिसिएशन का मेथड नहीं बताएगा कि किस मेथड से लगाना है तो हम लोग हमेशा डिमिनिशिंग मेथड से लगाएंगे। तो सर डिमिनिशिंग मेथड से चार्ज कीजिए डेप्रिसिएशन ऑफ फर्स्ट ईयर एट द रेट 10%, 115, जो निकलेगा वो क्या होगा WDV। फिर अगले साल का डेप्रिसिएशन सेकेंड ईयर, चलो WDV निकाले 1150, उसका 10% माइनस, ये आएगा 1035, अब इसका 10%, 104, ये आएगा 931 रिटर्न डाउन वैल्यू। फिर अगले साल का डेप्रिसिएशन थर्ड ईयर, ये आएगा 93, रिटर्न डाउन वैल्यू डेप्रिसिएशन ऑफ फोर्थ ईयर 84 रुपीज, 838 माइनस 84, 754 रुपीज, कितने साल होगा सर ये 5 साल का था तो ये भी 5 साल होगा। डेप्रिसिएशन ऑफ फिफ्थ ईयर 75,679 रुपीज, ये हुआ वर्किंग। पहले इतना बात को लिखो, चलो सबसे पहले कौन सा लेयर बना रहे हैं सर एसेट्स का अकाउंट। एसेट्स का नाम क्या है वैगन। तो एसेट्स का रूल क्या था कि सर खरीदते हैं तो डेबिट में और हर साल का डेप्रिसिएशन क्रेडिट में और सेल भी क्रेडिट में। तो चलिए सबसे पहले खरीदे हैं, कब खरीदे हैं फर्स्ट अप्रैल 2011 को। किससे खरीदे हैं कोई नाम बताया है? अगर नाम बताएगा जिससे खरीदे हैं तो उसका नाम लिखेंगे, नहीं बताएगा तो हायर वेंडर लिख देंगे। नाम तो नहीं बताया है सर तो लिखो टू हायर वेंडर। कितने का
1150, ईयर का एंड हुआ 31st मार्च 2012, बाय डेप्रिसिएशन, और ये रहा पहले साल का डेप्रिसिएशन 115, जो बच गया वो बैलेंस थी 1035। अगले दिन सीडी को बीडी करेंगे, बैलेंस बीडी, फिर बुक्स बंद होगा 31st मार्च 30। कितने का? 104 का बैलेंस सीडी 931। फिर अगले दिन टू बैलेंस बीडी 931 बाय डेप्रिसिएशन 93, और जो बच जाएगा बैलेंस सीडी 838। फिर नेक्स्ट डे 1st अप्रैल 14, सीडी को बीडी 838, 31st मार्च 15 बाय डेप्रिसिएशन 84 और बाय बैलेंस सीडी 754, 838। चार साल खत्म। पांचवा साल, बैलेंस सीडी 5 साल का अकाउंट। अभी एसेट्स बनाए, अब क्या बनाएंगे? सर अब बनाएंगे हम लोग वेंडर का अकाउंट, हायर वेंडर अकाउंट। लिखिए, चलो अगला लेजर, हायर वेंडर लाइबिलिटी का अकाउंट है। क्या रिकॉर्ड होता है? सर जो परचेज करते हैं एसेट्स वो क्रेडिट में, और हर साल का इंटरेस्ट भी क्रेडिट में। डेबिट में क्या लिखते हैं? सर डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट का पेमेंट, क्योंकि ये लाइबिलिटी है तो ये लाइबिलिटी का रूल फॉलो करता है। लाइबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट। तो वेंडर का लाइबिलिटी कब बढ़ता है? जब हम उससे एसेट्स खरीदते हैं और इंटरेस्ट ड्यू होता है तो लाइबिलिटी बढ़ जाता है, इसलिए क्रेडिट में लिख देते हैं। और लाइबिलिटी घटता कब है? जब हम उसको पेमेंट कर रहे होते हैं। तो सर जब जब पेमेंट करते हैं वो कहां रिकॉर्ड होता है? डेबिट में। चलिए शुरू करें। सबसे पहले लाइबिलिटी बढ़ा 1st अप्रैल 2011 को, क्या खरीदे? वैगन, तो बाय वैगन। कितने रुपए का? 1150। और इसी दिन डाउन पेमेंट की 1st अप्रैल 2011 को, बैंक या कैश डाउन पेमेंट। कितने का? 150। फिर ईयर का एंड हुआ, पहला साल का एंड हुआ 31 मार्च 2012। क्या लगा इसके ऊपर? इंटरेस्ट। ये कहां से मिलेगा? वर्किंग नोट नंबर 4 देखो, 50 रुपया का इंटरेस्ट दिखा होगा। और फिर इसी दिन ईयर के एंड में पहला इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हुआ होगा टू बैंक। ये क्या है? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, जो है कितने का? 250। वर्किंग में देखिए इंस्टॉलमेंट में अमाउंट लिखे होंगे, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 200 प्लस 50, 250, और जो बच गया वो बैलेंस सीडी 800। पहला साल खत्म। सीडी को बीडी करेंगे 1st अप्रैल 2012, बैलेंस
बीडी कितने का 800, ईयर का एंड हुआ 31 मार्च 2013, क्या लगेगा इंटरेस्ट जो हम लोग निकाले हैं कितने का 40 रुपीज। फिर हम लोग 31 मार्च 2013 को दूसरा इंस्टॉलमेंट का पेमेंट किए टू बैंक कि सर पेमेंट कीजिए सेकेंड इंस्टॉलमेंट का, जो आया 240 और जो बच गया बैलेंस सीडी 800 840। सीडी को बीडी करेंगे 1 अप्रैल 2013, थर्टी फर्स्ट मार्च 2014 फिर से क्या लगेगा थर्ड ईयर का इंटरेस्ट। थर्ड ईयर इंटरेस्ट हम लोग कितना निकाले हैं 30 रुपीज। अब ईयर का एंड चल रहा है तो तीसरा इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करना पड़ेगा टू बैंक, थर्ड इंस्टॉलमेंट कितने का 230 और जो बच गया बैलेंस सीडी जो कितना आएगा 400। तीन साल खत्म। फिर अगले दिन सीडी को बीडी 1 अप्रैल 2014 अमाउंट 400, ईयर का एंड 31 मार्च 2015, क्या लगेगा इंटरेस्ट कितने रुपए का 20, 420। पेमेंट इंस्टॉलमेंट नंबर 4 का टू बैंक, फोर्थ इंस्टॉलमेंट 220 रुपया, बैलेंस सीडी 1 अप्रैल 2015 200 और फिर ईयर का एंड 31 मार्च 2016, क्या लगेगा इंटरेस्ट जो कितना रुपया है लास्ट में 10 रुपया 210। और ये रहा आखिरी इंस्टॉलमेंट 31 मार्च 2016, ये क्या है फिफ्थ इंस्टॉलमेंट जो है 210। खत्म। इसके अलावा आपके लिए क्या होमवर्क में रहा कि सर इसके बाद हम लोग डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट का अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि वो बहुत ही सिंपल है, हम बहुत सारा क्वेश्चन बना के दिखा दिए हैं, तो वो दो ठो आपको बनाना है अकाउंट, लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। सर 5 के बाद सीधा 8, 6 7 6 7 इन द बुक्स ऑफ सेलर बनाना है, तो इन दी बुक्स ऑफ सेलर क्या अकाउंटिंग होता है अभी हम सिखाए नहीं आपको, इसीलिए हम लोग 6 और 7 नहीं बना पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, लिखा है ऑन 1 अप्रैल 2013 ए मैन्युफैक्चरर ब्रॉट एन एसेट ऑन हायर परचेज सिस्टम, कैश प्राइस 3400, हायर परचेज प्राइस 3730, पेबल 730 डाउन एंड बैलेंस इन 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट ऑफ 600। क्वेश्चन में क्या लिखा है हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट देना है, मतलब 6-6 महीने में। ध्यान दीजिएगा, अगर हम इंस्टॉलमेंट 6-6 महीना में देंगे तो इंटरेस्ट भी 6-6 महीने पे लगेगा, तो अगर इंटरेस्ट का रेट पर एनम दिया रहेगा तो हम लोग उसको किसमें कन्वर्ट कर लेंगे 6 महीने में। जैसे मान लो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट पर एनम 5%, तो क्योंकि हमको एक साल में तो पेमेंट करना नहीं है, हमको तो 6-6 महीने में पेमेंट करना है, तो इंटरेस्ट भी क्या होगा 6-6 महीने में कैलकुलेट होगा, तो एक साल का अगर 5% तो 6 महीने कितना हो जाएगा 2.5%। बात समझ रहे हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो इंस्टॉलमेंट है वो हाफ ईयरली पेमेंट होगा, तो कैलकुलेशन भी किसमें करेंगे हाफ ईयरली में, क्योंकि सर जब इंस्टॉलमेंट देने का वक्त आएगा तो टुगेदर विथ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है हमको, इसीलिए इंटरेस्ट भी 6-6 महीने का कैलकुलेट किया जाएगा। आगे बढ़ो, सेट आउट मटेरियल अकाउंट इन द मैन्युफैक्चरर लेजर फॉर द फॉलोइंग 3 ईयर। बोल रहा है मैन्युफैक्चरर के बुक में जो जो मटेरियल अकाउंट बनेगा वो बनाइए, मतलब वही 4 अकाउंट।
बुक्स आर क्लोज्ड एनुअली ऑन 31st मार्च, बुक्स हमेशा 31st मार्च को बंद होगा। खरीदे कब है? 1st अप्रैल 2013 को। हायर चार्जेस लगेगा, 8% का इंटरेस्ट है, डेप्रिसिएशन 20% पर एनम है। बोल रहा है बताइए अकाउंट्स को, और बोल रहा है अगर पॉइंट में आएगा तो पॉइंट आपको 2 डेसिमल तक लेना है, तो इस बार हम लोग पॉइंट को कवर नहीं कर सकते, आपको 2 डेसिमल दिखाना पड़ेगा। क्वेश्चन बोला है सबसे पहले क्या लिखेंगे, वर्किंग कैश प्राइस कितने का है, 3400। हायर परचेज प्राइस, सर ये तो दिया हुआ है डायरेक्ट, कितना, 3730। क्या हायर परचेज प्राइस कैश प्राइस से बड़ा है? जी हां, कैश प्राइस से बड़ा है। इसका मतलब हर इंस्टॉलमेंट के अंदर इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूड है, और दूसरा मतलब आखिरी साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे, वो हम लोग बैलेंसिंग फिगर से निकालेंगे। हम लोग बोले ठीक है, आइए स्टार्ट करें। वर्किंग नोट नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। कैश प्राइस कितने का, 3400। इसमें से क्या माइनस होगा, डाउन पेमेंट, जो कितने रुपए का है, 730 का। जो बचा वो क्या निकला, आउटस्टैंडिंग बैलेंस। चलिए 5 सालों तक इस तरह बनाना है हम लोग को, आइए निकाले। 3400 माइनस 730 कितना आएगा, 2670। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का रेट पढ़ो, 8% पर एनम है, लेकिन क्या हम 8% लगाएंगे? नहीं, हम इंस्टॉलमेंट का पेमेंट 6-6 महीना में करेंगे, तो 6 महीना में कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 4%। आई होप आप समझ रहे हैं कि सर एक साल का इंटरेस्ट है 8% पर एनम लिखा हुआ है, जबकि हम लोग को तो इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हर 6 महीना में करना, हाफ ईयरली। तो अगर हम 6 महीना में पेमेंट करेंगे तो इंटरेस्ट क्या 1 साल का देंगे? नहीं, इंटरेस्ट भी 6 महीना का लगेगा, तो सर 6 महीना का निकालो, 4%, ये आएगा 106.8 प्लस 2776.8, और पहला इंस्टॉलमेंट का पेमेंट होगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने का है, 600। क्या उसमें इंटरेस्ट जोड़ेंगे? नहीं, क्यों? क्योंकि हायर परचेज प्राइस कैश प्राइस से बड़ा है, तो इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूड है इसके अंदर, माइनस 600, ये आएगा 2176.8 आउटस्टैंडिंग बैलेंस। सेकेंड ईयर इंटरेस्ट 4%, आइए निकाले, 87 जोड़ा जाए, ये आएगा 2263.8 माइनस सेकेंड इंस्टॉलमेंट 600, ये निकला आउटस्टैंडिंग बैलेंस। थर्ड ईयर का इंटरेस्ट 1663.8 का 4%, 66.55 1730.35 माइनस थर्ड इंस्टॉलमेंट 600,
आउटस्टैंडिंग बैलेंस 1130.35, फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट 11.35 का 4%, 45.21, 1175.56 माइनस फोर्थ इंस्टॉलमेंट 600, ये आएगा 575.56। थोड़ा स्क्रीन को नीचे करें ताकि आपको बाकी भी दिख सके। ये क्या निकला? आउटस्टैंडिंग बैलेंस प्लस आखिरी साल है फिफ्थ ईयर इंटरेस्ट, ये बैलेंसिंग फिगर कितना होना चाहिए? 600, क्योंकि आखिरी इंस्टॉलमेंट कितने का है? 600 का। तो बताइए ऐसा क्या इंटरेस्ट में लिखें कि 575.56 में प्लस करने के बाद वो 600 बन जाए? सर बहुत सिंपल है, 24 रुपया 44 पैसा ये निकला। और फिर फाइनली ये निकल गया हम लोगों का पहला कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट का बात। अब आते हैं हम लोग किस पे? डेप्रिसिएशन पे। डेप्रिसिएशन का रेट कितना चल रहा है? 20%। कैश प्राइस 3400 रुपया पहले साल का डेप्रिसिएशन। तो सर 3400 का 20% 680 माइनस कीजिए, कितना बचा? 2720। फिर इसका 20% 544। सर डेप्रिसिएशन एनुअल लगाइएगा? हम बोले हाँ डेप्रिसिएशन एनुअल ही लगेगा। डेप्रिसिएशन का इंस्टॉलमेंट से क्या मतलब? हम अपना कार लाए हैं तो कार तो मेरा एक साल में डेप्रिसिएट होगा, इंस्टॉलमेंट हम एक साल में 12 बार दे दे उससे क्या मतलब? डेप्रिसिएशन तो एनुअल चार्ज होगा, तो एनुअली चार्ज कर रहे हैं। 2176, फिर इसका 20% 435.2। क्या हम लोग 0.2 हटा दे? हां सर 0.2 हटा दीजिए वरना बहुत दिक्कत होने लगेगा। ये आया 1741, फिर इसका 20% 348, ये आया 1393, फिर इसका 20% 279, 114। 5 साल का डेप्रिसिएशन भी निकल गया। क्वेश्चन में बोला है 3 साल का लेजर बनाने, वो 5 साल का बोला ही नहीं है। तो एसेट्स अकाउंट कितने साल का बनेगा? 3 साल। और जो वेंडर अकाउंट है सर वो भी 3 साल का, हालांकि वो 2.5 साल में ही खत्म हो जाएगा क्योंकि 6-6 महीने में पेमेंट करना है। तो जाहिर सा बात है सर आपका जो हायर वेंडर का अकाउंट होगा वो तो 2.5 ईयर में ही खत्म हो जाएगा। तो ये जहां जहां हम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर लिखे वहां जाएगा फर्स्ट हाफ ईयर सेकेंड हाफ ईयर थर्ड हाफ ईयर, इस तरह लिखना चाहिए था हमको। चलिए कोई नहीं, लिखिए आप इसको। चलिए सबसे पहले हायर वेंडर का अकाउंट। हायर वेंडर कैसे बनाते हैं? सर हायर वेंडर क्योंकि एक लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी का रूल फॉलो करते हैं। लाइबिलिटी बढ़ता है क्रेडिट में, घटता है तो डेबिट में। लाइबिलिटी कब बढ़ेगा वेंडर का? हम बोले सर जब एसेट्स खरीदेंगे और इंटरेस्ट लगेगा तब तब क्रेडिट में लिखेंगे लाइबिलिटी बढ़ गया, और जब डाउन पेमेंट करेंगे और इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे तो कहां लिखेंगे? डेबिट में। चलिए अब तक तो याद हो जाना चाहिए। 1 अप्रैल 2013 बाय क्या लिए हैं हम लोग? हम बोले सर देखिए एसेट्स का नाम बताया होगा, लिखा है कोई बताया नहीं है तो एसेट्स का नाम एसेट्स बाय एसेट्स
कितना 3400। और इसी दिन कुछ डाउन पेमेंट हो गया है 1 अप्रैल 2013 को टू बैंक, क्वेश्चन में बोला है 6 महीने के बाद ही इंस्टॉलमेंट का पेमेंट शुरू हो जाएगा, तो 6 महीने के बाद 30 सितंबर 2013 क्या लगेगा इंटरेस्ट। और पहला इंटरेस्ट हम लोग निकाले थे 106.8, और सर इसी दिन पहला इंस्टॉलमेंट का पेमेंट होगा 30 सितंबर 2013 टू बैंक, ये क्या है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो कितने का है 600। सर अब सीडी करो, हम बोले नहीं बुक्स तो मार्च में बंद होता है 31 मार्च, जब 31 मार्च आएगा तो 6 महीना और बीत गया, तो सर अगला इंटरेस्ट भी लग जाएगा और अगला इंस्टॉलमेंट का ये पेमेंट हो जाएगा, इसका मतलब एक साल में 2 इंस्टॉलमेंट पेमेंट होगा। हम बोले हाँ, अगर बुक्स हम लोग ईयरली बंद करेंगे तो एक साल में तो 6 महीना आ जाएगा, तो 2 बार पेमेंट करना पड़ेगा हमको, और 2 बार अगर इंस्टॉलमेंट देंगे तो ऑफकोर्स 2 बार इंटरेस्ट भी चार्ज हो जाएगा। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट था 87 टू बैंक, ये क्या है सेकेंड इंस्टॉलमेंट, ये भी 600 का है, डेट 31 मार्च 2014, और जो बचेगा बैलेंस सीडी। थर्टी फोर हंड्रेड प्लस 106.8 प्लस 87 3593.8 -1200 -730 1663.8। सीडी को बीडी करेंगे 1 अप्रैल 2014 बैलेंस बीडी 1663.8। 6 महीना फिर बीतेगा 30 सितंबर 2014 क्या लगेगा इंटरेस्ट, थर्ड इंटरेस्ट बताओ 66.55, और सर फिर तीसरा इंस्टॉलमेंट भी देना पड़ेगा टू बैंक, ये क्या है थर्ड इंस्टॉलमेंट कितने का 600। बुक्स तो मार्च में बंद होगा तो सर एक और इंस्टॉलमेंट का पेमेंट होगा, तो एक और इंटरेस्ट लग जाएगा इसी साल बाय इंटरेस्ट, चौथा इंटरेस्ट कितने का 45.21 टू बैंक, फोर्थ इंस्टॉलमेंट 600, और अब निकलेगा बैलेंस सीडी 31 मार्च 2015 को टू बैलेंस सीडी। चलिए निकाला जाए 1663.8 प्लस 66.55 प्लस 45.21 1775.56 -1200 575.56। सीडी को बीडी अगले दिन 1 अप्रैल 2015 बैलेंस बीडी 575.56। 6 महीने के बाद 2015 30 सितंबर 2015 को क्या लगेगा पहले इंटरेस्ट, आखिरी इंटरेस्ट कितने का है 24.44 600।
और आखिरी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट 30 सितंबर 2015 टू बैंक, फिफ्थ इंस्टॉलमेंट। ये खत्म हुआ हायर वेंडर का अकाउंट। अभी और क्या बनाना है? एसेट्स का। और कितने सालों का बनाना है? सिर्फ 3 सालों का, पूरा 5 साल का नहीं बनाने बोला है क्वेश्चन, लिखिए। चलिए अगला अकाउंट, एसेट्स अकाउंट। एसेट्स किस रूल से रिकॉर्ड होता है? सर एसेट्स एसेट्स का रूल से रिकॉर्ड होता है। क्या रूल है? इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट होता है, डिक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट होता है। एसेट्स कब इंक्रीज होगा? जब परचेज करेंगे, तो परचेज करने के समय डेबिट साइड में। डिक्रीज कब होगा? जब सर डेप्रिसिएशन लगेगा और जब हम उसको सेल कर देंगे। तो डेप्रिसिएशन और सेल कहां आएगा? क्रेडिट साइड में। चलो, 1st April 2013, टू हायर वेंडर 3400 और 31st मार्च, ईयर का एंड होगा 31st मार्च 14, क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन जो हम लोग निकाले हैं 680 का, बच गया वो बैलेंस सीडी। एक साल खत्म, बैलेंस सीडी कितना आया? 2720। अगले दिन सीडी को बीडी, 1st April 2014, टू बैलेंस बीडी 2720। फिर 31st मार्च 15, क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन जो आएगा 544 और जो बच गया बैलेंस सीडी 2176। फिर सीडी को बीडी 1st April 2015, फिर ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन, थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन कितना? 435 और जो बच जाएगा बैलेंस सीडी कितना आएगा? 1741। ये खत्म हुआ एसेट्स का अकाउंट। अभी भी आपके लिए दो अकाउंट और बनाना है जो आपको बनाना है। कौन कौन सा? 3 साल का इंटरेस्ट का अकाउंट, 3 साल का डेप्रिसिएशन का अकाउंट, लिखिए। आइए अब हम लोग एक टॉपिक सीखेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सर अभी तक हम लोग जितना भी क्वेश्चन बनाए हैं, 6-7 क्वेश्चन जो भी बनाए हम लोग, उन सभी में कैश प्राइस का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना कैश प्राइस के हायर परचेज का क्वेश्चन बन नहीं सकता है, क्योंकि आप देखो ना, एसेट्स का पहला ही एंट्री किससे होता है? कैश प्राइस से। तो बिना कैश प्राइस जाने हम लोग हायर परचेज का क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकेंगे। तो अगर कभी ऐसा हो कि क्वेश्चन हम लोगों को कैश प्राइस ना बताए, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर हम लोग को कैश प्राइस कैलकुलेट करना पड़ेगा। वही टॉपिक है हम लोग का, कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस। हम लोग को दो टॉपिक, इसमें दो मेथड पढ़ना है कैश प्राइस को कैलकुलेट करने का। मेथड वन ये है एन्यूटी मेथड और मेथड टू ये है बैक कैलकुलेशन मेथड। बैक कैलकुलेशन मेथड, दो मेथड है कैश प्राइस को निकालने का। हम लोग सबसे पहले आज क्या पढ़ेंगे? मेथड वन, एन्यूटी मेथड। एन्यूटी मेथड के अंदर कैश प्राइस निकालने का एक फॉर्मूला दिया गया। फॉर्मूला क्या है? इंस्टॉलमेंट अमाउंट
एक इंस्टॉलमेंट लेना है, वन ओनली, इनटू एन्यूटी फैक्टर, ऑफ रुपीज वन, एक रुपया का एन्यूटी फैक्टर ये क्वेश्चन बताएगा, प्लस डाउन पेमेंट, अगर कोई डाउन पेमेंट होगा तो वो भी जोड़ लेंगे, ठीक बात। क्या करना है, हम बोले इस मेथड के अंदर कैश प्राइस निकालने का एक फॉर्मूला दिया गया, फॉर्मूला क्या है, क्वेश्चन में आपको इंस्टॉलमेंट बताएगा जो इक्वल अमाउंट का होगा, अनइक्वल अमाउंट पे ये काम नहीं करता है। हम बोल रहे हैं एन्यूटी फैक्टर में इक्वल अमाउंट दिया रहेगा इंस्टॉलमेंट, जैसे बोलेगा कि पांच इंस्टॉलमेंट है, हर इंस्टॉलमेंट पांच पांच हजार का है, तो हम लोग को एक इंस्टॉलमेंट ले लेना है, उसको मल्टीप्लाई करना है एन्यूटी फैक्टर ऑफ रुपीज वन, एक रुपए के फैक्टर से, ये क्वेश्चन बताएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें क्या जोड़ लेंगे, डाउन पेमेंट, तो क्या निकल जाएगा हम लोग का, एसेट्स का कैश प्राइस, कि सर एसेट्स का कैश प्राइस इस तरह से निकलेगा। दूसरा, कभी कभी क्या होगा, क्वेश्चन में कैश प्राइस बता देगा, डाउन पेमेंट बता देगा और इंस्टॉलमेंट नहीं बताएगा, एन्यूटी फैक्टर ही बता देगा, तो इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके क्या निकाल लेंगे, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट भी निकाल लेंगे। हम क्या बोले कि सर ये जो एन्यूटी मेथड है इससे दो तरह का बात निकलता है, एक क्वेश्चन में कैश प्राइस नहीं बताएगा तो वो इंस्टॉलमेंट बताएगा और एन्यूटी फैक्टर ऑफ रुपीज वन बताएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे, और अगर डाउन पेमेंट बताएगा तो डाउन पेमेंट जोड़ लेंगे, तो क्या मिल जाएगा, कैश प्राइस। सेकेंड, कैश प्राइस क्वेश्चन बता दे, एन्यूटी फैक्टर ही बता दे, डाउन पेमेंट हुआ तो डाउन पेमेंट बता दिया, और क्या नहीं बताए, इंस्टॉलमेंट, तो हम बोले सर इसी फॉर्मूला को इस्तेमाल करके हम क्या निकाल सकते हैं, डाउन पेमेंट, तो हम बोले सॉरी इंस्टॉलमेंट, तो इसी फॉर्मूला से सर कैश प्राइस भी निकल सकता है, इंस्टॉलमेंट भी निकल सकता है। हम बोले हाँ, अगर उसको कैश प्राइस चाहिए जानना होगा तो वो क्वेश्चन में क्या नहीं बताएगा, कैश प्राइस, बाकी सब बताएगा, और अगर वो कैश प्राइस बता दिया, इंस्टॉलमेंट नहीं बताया, तो जाहिर सा बात है सर इस इक्वेशन के अंदर एक चीज वो गायब कर देगा, वो एक चीज हमको निकालना होगा, डाउन पेमेंट निकालने के लिए नहीं बोला जाता है, डाउन पेमेंट होगा तो लेंगे, नहीं होगा तो सर नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। बात समझते हैं आप मेरा, एक फॉर्मूला ये हो गया हम लोग का मेथड वन। मेथड टू आज नहीं बात करेंगे, इसी के ऊपर क्वेश्चन है, पहले ये सीख लेते हैं, फिर मेथड टू अगले क्लास में बात होगा कि बैक कैलकुलेशन मेथड से कैश प्राइस कैसे निकलता है। यहां तक मेरा बात ठीक, आप इसको लिख लेंगे, साथ ही साथ ये क्या लिखा हुआ है, एन्यूटी फैक्टर ऑफ रुपीज वन, जैसे क्वेश्चन में इस तरह दिया रहेगा, एन्यूटी वैल्यू ऑफ रुपीज वन इज 2.32176, इस तरह के दिया रहेगा, तो हम लोग को एन्यूटी वैल्यू एक रुपया का ही चाहिए। अगर कभी ऐसा हो, मान लीजिए वो दिया है क्वेश्चन में एन्यूटी वैल्यू ऑफ रुपीज फाइव और यहां लिख दिया है 10.32876, तो ये मेरे काम का नहीं है, पांच रुपया का दिया है, हमको एक रुपया का निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकालेंगे, हम बोले सर एक रुपया का निकालना है, पांच रुपया का अगर इतना है तो एक रुपया कितना होगा, डिवाइड कर देंगे पांच से, डिवाइड करके जो निकलेगा वो होगा मेरा एन्यूटी वैल्यू ऑफ रुपीज वन। आप बात समझ रहे हैं मेरा कि सर एन्यूटी फैक्टर हमको एक रुपया का चाहिए, अगर किसी और अमाउंट का बताएगा तो डिवाइड करके एक रुपया का निकाल लेंगे। दूसरी बात, ये फॉर्मूला कैश प्राइस निकालने के भी काम आता है, क्वेश्चन में कैश प्राइस नहीं बताएगा तो इस तरह यूज करेंगे निकल जाएगा, और कभी कभी क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट नहीं बताएगा और कैश प्राइस बता देगा, तो कैश प्राइस बता देगा लिख देंगे, एन्यूटी फैक्टर लिख देंगे, डाउन पेमेंट लिख देंगे, फिर इसके लिए सॉल्व करेंगे तो इंस्टॉलमेंट निकल जाएगा। बात समझ गया मेरा, तो ये हुआ हम लोग का पहला मेथड जिसका नाम क्या है, एन्यूटी मेथड, कि सर एन्यूटी मेथड से कैसे कैलकुलेट किया जाता है कैश प्राइस, और एन्यूटी फैक्टर हमको कितने का चाहिए, एक रुपया का, अगर क्वेश्चन में एक रुपया का नहीं बताएगा तो आपको एक रुपया का फैक्टर निकालना पड़ेगा। लिखिए इस बात को,
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चले। ऑन 1st of April 2011 ए कोलियरी कंपनी परचेज वैगन ऑन हायर परचेज सिस्टम ओवर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर पेबल बाय एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹7,000। बोल रहा है 1 अप्रैल 2011 को कोलियरी कंपनी ने एक वैगन खरीदा है हायर परचेज सिस्टम में, जिसका पेमेंट का पीरियड है 5 साल और एनुअल इंस्टॉलमेंट है 7,000, मतलब हर साल कितना इंस्टॉलमेंट देंगे 7,000। द वैगन कंपनी चार्ज इंटरेस्ट 5% एनुअल ऑन पर एनम ऑन द ईयरली बैलेंस, इंटरेस्ट का रेट है 5%। सो द अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हायर बायर, मतलब हायर परचेजर के बुक में अकाउंट बनाना है सर, वही 4 अकाउंट। डेप्रिसिएशन लगेगा 10% डिमिनिशिंग बैलेंस में। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्यूटी ऑफ ₹1 फॉर 5 ईयर्स एट द रेट 5% 4.32947। देखिए एन्यूटी वैल्यू ₹1 का दे दिया है, एन्यूटी ऑफ ₹1 लिखा हुआ है ये बात, तो ₹1 का एन्यूटी वैल्यू दे दिया है 4.32947। तो सर इसमें क्वेश्चन में कैश प्राइस नहीं बताया, तो पहला काम क्या होगा सर? पहला काम होगा कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस। हम बोले हाँ, पहला काम तो यही होगा कि सर कैश प्राइस निकालना पड़ेगा। बताओ कैसे निकालेंगे? इंस्टॉलमेंट ₹7,000, एक इंस्टॉलमेंट लेना है आपको और उसको मल्टीप्लाई किससे करना है? एन्यूटी वैल्यू ₹1 का। और अगर कोई डाउन पेमेंट होगा तो सर डाउन पेमेंट भी ले लेंगे। इंस्टॉलमेंट है 7,000 और एन्यूटी वैल्यू देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है ₹1 का 4.32947। चलिए मल्टीप्लाई करें, ये प्लस में ये मल्टीप्लाई 7,000 × 4.32947 30,306.34। इसको हम लोग पॉइंट से हटा लेते हैं और कितना लिख लेते हैं 3036। पहला काम खत्म। फिर क्या लिखते हैं? हायर परचेज प्राइस, जो कितना है सर? हायर परचेज प्राइस का फॉर्मूला था ऑल इंस्टॉलमेंट, जितने भी इंस्टॉलमेंट होंगे और क्या जोड़ लेंगे? डाउन पेमेंट। तो इंस्टॉलमेंट है 7,000 इंटू 5 इंस्टॉलमेंट में देना है तो 35,000। हायर परचेज प्राइस क्या है? कैश प्राइस से बड़ा है, इसका मतलब इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूड है, और दूसरा मतलब लास्ट ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, वो बैलेंसिंग फिगर से आएगा। उसके बाद ये है पांचवा वर्किंग, बाद में करेंगे चौथा वर्किंग, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट कि सर इंटरेस्ट निकाल के दिखाओ, ये तो अब आप निकाल लेते होंगे, अब हम क्या दिखाएं इसमें? सबसे पहले क्या लिखते हैं? कैश प्राइस, जो हम लोग कैलकुलेट किए हैं, क्वेश्चन नहीं बताया था, 30306। माइनस करते हैं इसमें डाउन पेमेंट जो है नहीं, जो है ही नहीं, तो सर ये है आउटस्टैंडिंग बैलेंस। अब इस पे लगेगा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, जो कितना है? 5%। तो 30306 पर 5%, 15 पॉइंट को हम इग्नोर कर रहे हैं, ये आएगा 31821 माइनस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने का है? 7,000, तो माइनस 7,000 24,821। आउटस्टैंडिंग बैलेंस, फिर क्या लगेगा?
सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट एट द रेट 5%, तो 24821 का 5%, 1241, 26062 माइनस सेकेंड इंस्टॉलमेंट 7000, वन नाइन जीरो सिक्स टू आउटस्टैंडिंग बैलेंस, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट 5%, तो 19062 का 5%, 953200015 माइनस थर्ड इंस्टॉलमेंट 4th ईयर का इंटरेस्ट 5%, 651, 13666 माइनस, आइए नीचे करें ताकि आपको दिख सके, फोर्थ इंस्टॉलमेंट 7000, 6666 आउटस्टैंडिंग बैलेंस, क्या लगेगा फिफ्थ ईयर का इंटरेस्ट, आखिरी साल है, कैसे निकालेंगे बैलेंसिंग फिगर्स, लास्ट इंस्टॉलमेंट 7 का है, तो सर 6666 रुपीस का जो बैलेंस है उसमें कितना रुपया का इंटरेस्ट जोड़ा जाए कि 7000 बन जाए, 334, इन दोनों का डिफरेंस वही है 334, और अब आप क्या माइनस कर सकते हैं फिफ्थ इंस्टॉलमेंट 7000। सब मेन काम की सर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट हो गया, अब क्या करेंगे कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, पहले यहां तक लिखिए, चलो कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन में आ जाए, कैश प्राइस 30306 और डेप्रिसिएशन का रेट कितना है, क्वेश्चन बताया था 10%, तो डेप्रिसिएशन का रेट है 10%, 3031 सेकेंड ईयर का 2727 27275 माइनस 10% कितना आएगा 2454 और ये आ जाएगा 8। उसके बाद थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन 2455 22093 का 10% 2209
19884 और लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन 1988। क्या बनाना है? वही चार लेजर। कौन कौन सा? सर एक तो बनेगा हायर वेंडर अकाउंट, हम बोले हाँ। दूसरा एसेट्स का अकाउंट, तीसरा डेप्रिसिएशन अकाउंट और चौथा इंटरेस्ट अकाउंट। हम क्योंकि चारों अकाउंट सिखा चुके हैं और बहुत बार बना के प्रैक्टिस भी करा दिए हैं, तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपके लिए होमवर्क कि आपको खुद से बनाना है, सारा बात कैलकुलेशन कर चुके हैं, तो आप इन बातों को लिख ले और होमवर्क अपना बनाना है इस क्वेश्चन का सोल्यूशन जो चार लेजर है, लिखो। चलो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? 1 अप्रैल 2015 ABC लिमिटेड परचेज ए कंप्यूटर हुज कैश प्राइस वाज 1,24,343। कैश प्राइस पता है, फ्रॉम पवन लिमिटेड जिससे खरीदे उसका नाम भी पता है, पवन लिमिटेड, तो सर सेलर का नाम पता है इस बार, ऑन हायर परचेज सिस्टम एंड इट वॉज डिसाइडेड दैट दिस अमाउंट विल बी पेड इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट एट 10% इंटरेस्ट। बोल रहा है 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट किया जाएगा और इंटरेस्ट कितना लगेगा? 10%। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्यूटी ऑफ रुपीज 1 फॉर 3 ईयर एट 10% इज 2.48685। तो एन्यूटी फैक्टर ऑफ रुपीज 1 बता दिया है 2.48685। कैलकुलेट दी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर ईच इंस्टॉलमेंट, हर इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट है वो बताइए, एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन दी बुक्स ऑफ हायर परचेज अंडर एक्चुअल एसेट्स अक्रूवल मेथड। हम लोग के सिलेबस में अक्रूवल मेथड नहीं है, हम लोग जो सीखे वही एंट्री करिएगा, अक्रूवल मेथड बताइएगा। तो चलिए सर इस क्वेश्चन में क्या नहीं मालूम? हम बोले इंस्टॉलमेंट नहीं मालूम, कैश प्राइस पता है, कितना है कैश प्राइस? सर कैश प्राइस है 1,24,1,24,343। ये है कैश प्राइस। हायर परचेज प्राइस का फॉर्मूला क्या था? ऑल इंस्टॉलमेंट प्लस डाउन पेमेंट। इंस्टॉलमेंट प्लस डाउन पेमेंट बताया ही नहीं है, तो वो निकालना पड़ेगा। तो सर कैलकुलेशन ऑफ इंस्टॉलमेंट, आओ निकाले। क्या इसी फॉर्मूला से निकलेगा? बिल्कुल इसी फॉर्मूला से ही निकलेगा। इस क्वेश्चन में कैश प्राइस पता है, तो कैश ये फॉर्मूला वो लिख रखे थे, कैश प्राइस कितना है 1,24,343। इंस्टॉलमेंट नहीं पता, लेकिन क्या पता है? एन्यूटी वैल्यू ऑफ रुपीज 1 2.48685। डाउन पेमेंट 0, नहीं पता है तो 0। क्या हम लोग सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल, इंस्टॉलमेंट निकल जाएगा। कैसे सर? 1,24,343 को डिवाइड कर दीजिए 2.48685 से, तो निकल जाएगा पैसा। हम बोले आओ डिवाइड करें, इंस्टॉलमेंट निकाले। 1,24,343 डिवाइडेड बाई 2.48685, 50,000। कितना आएगा? 50,000। तो सर हायर परचेज प्राइस निकल गया, 50,000 कितना इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है? 3, 1,50,000। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, कैश प्राइस कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 1,24,343
इसमें क्या माइनस करते हैं, डाउन पेमेंट है ही नहीं क्वेश्चन में, तो सर डाउन पेमेंट नहीं है, तो यही है आउटस्टैंडिंग पहले साल का। इतना पैसा बाकी है, अब इसमें क्या लगेगा, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, जो कि रेट कितना चल रहा है 10%, तो सर ये आएगा 1, 2, 4, 3, 4, पॉइंट को इग्नोर कर रहे हैं हम, 1, 2, 4, 3, 4, 3 प्लस 1, 2, 4, 3, 4, ये हो जाएगा जोड़ के 136,777 माइनस पहला इंस्टॉलमेंट, और हम लोग क्या देखें कि सर हायर परचेज प्राइस कैश प्राइस से बड़ा है, तो जो 50,000 का इंस्टॉलमेंट है उसमें इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूड है, इंक्लूड मत कर दीजिएगा, और ये निकला आउटस्टैंडिंग बैलेंस। चलो माइनस कर दें 50,000, कितना बचा 86,777, फिर क्या लगेगा, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट जो कि है 10% पर एनम, एक साल का 10%, 8,678, ये आएगा 95,455 माइनस सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितने का, 50,000, 45,455 आउटस्टैंडिंग बैलेंस। थर्ड ईयर का इंटरेस्ट, और ये आखिरी साल है, तो क्या इंटरेस्ट निकालेंगे, बिल्कुल नहीं, बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि हायर परचेज प्राइस कैश प्राइस से बड़ा है तो निकालिएगा नहीं, कितना आना चाहिए जोड़ के 50,000, तो दोनों में जो डिफरेंस है वही इंटरेस्ट है, 4,545 माइनस थर्ड इंस्टॉलमेंट, तो ये निकल गया हम लोगों का कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। लिखिए इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन का रेट नहीं बताया, तो डेप्रिसिएशन नहीं निकलेगा, तो सर ये मिटा दो, हम बोले हाँ लो मिटा दी, तो ये हुआ हम लोग का वर्किंग का काम खत्म। अभी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या करने बोला है, बोला है जर्नल एंट्री पास करके दिखाओ 3 सालों का, तो 3 साल का हम लोग को जर्नल एंट्री करना है इन दी बुक्स ऑफ परचेजर, सर जो खरीद रहा है उसके बुक में क्या एंट्री होगा वो, तो आप इसको लिखो, हम इसको मिटाएंगे और फिर एंट्री पे आ जाएंगे। चलिए इन दी बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड हम लोग को एंट्री करना है, जो नॉर्मल एंट्री सिखाए वही करना है आपको, कोई एसेट्स अक्रूअल मेथड फॉलो नहीं करना है। सबसे पहले कब खरीदे हैं, 1 अप्रैल 2015 को, तो एसेट्स खरीदने का एंट्री, देखो कौन से एसेट्स खरीदे हैं, कंप्यूटर, तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, टू किससे खरीदे हैं, वेंडर का नाम है पवन लिमिटेड, कैश प्राइस 1, 2, 4, 3, 4, 3 1, 2, 4, 3, 4, 3 नरेशन बी कंप्यूटर परचेज, ऑन हायर परचेज बेसिस, डाउन पेमेंट नहीं है, तीसरा एंट्री इंटरेस्ट का 31 मार्च 2016 इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, अगर आपके बुक में कुछ और डेट है तो डेट को अपने बुक के हिसाब से लिखें, टू पवन लिमिटेड, कितना है पहला साल का इंटरेस्ट, वर्किंग में देखिए 1, 2, 4, 3, 4 बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, थर्टी फर्स्ट मार्च 2016 को क्या लगेगा,
हमारे सर इंटरेस्ट लग चुका है, अब आपको इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करना है, तो वेंडर को डेबिट कर दिए, पवन लिमिटेड डेबिट टू बैंक 50,000, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट देखो वर्किंग में 50,000, पहला इंस्टॉलमेंट का पेमेंट 50,000 रुपीज बीन इंस्टॉलमेंट पेड बीन इंस्टॉलमेंट पेड। उसके बाद डेप्रिशिएशन, हमारे सर डेप्रिशिएशन है ही नहीं, तो फिर इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर दो कहां, पीएल में, क्योंकि कंपनी है एबीसी लिमिटेड लिखा हुआ है, मतलब वो कंपनी है, तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल में ट्रांसफर टू इंटरेस्ट 12434 बी इंटरेस्ट ट्रांसफर टू पीएल। और कुछ हम बोले नहीं, डेप्रिसिएशन तो है ही नहीं, तो बात ही नहीं है। पहला साल खत्म, लिखिए एक साल हो गया, चलो अगले साल का बात करें, अगले साल क्या होगा। सर पहला एंट्री मिटा दो, हम बोले हां पहला एंट्री मिटा दिए, अगले साल इंटरेस्ट लगेगा, डेट होगा 31 मार्च 17, तो नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 8678। उसके बाद पेमेंट करेंगे किस चीज का, इंस्टॉलमेंट का, पवन टू बैंक 50,000 50,000, और फिर इंटरेस्ट को ट्रांसफर करेंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएल टू इंटरेस्ट 8678। ये हुआ दो साल खत्म, लिखिए तीसरा साल फिर क्या होगा। सर 31 मार्च 18 को क्या लगेगा इंटरेस्ट थर्ड ईयर का, तो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट 4545, तो सर इंटी तो यही रहेगा इंटरेस्ट टू पवन लिमिटेड 4545। उसके बाद दूसरा एंट्री पेमेंट करने का, पवन लिमिटेड टू बैंक 50,000 50,000, और तीसरा एंट्री स्टेटमेंट ऑफ पीएल टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ट्रांसफर करने का 10। तो ये हुआ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10 तक खत्म, आज का क्लास हम लोग यहीं तक रहने देंगे, कल जब मिलेंगे तो कुछ नया बात होगा। तो ये हम लोग कर लिए आज क्वेश्चन नंबर 10 तक, नया बात भी सीखने को मिल गया कि हां सर एन्यूटी मेथड में कैश प्राइस कैसे निकाला जाता है, उसके बारे में बात हो गया। लिखिए